नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज हम बनाएंगे मेथी मलाई मटर की सब्जी। काफी टेस्टी लगती है और इसका जो ग्रेवी बनेगा काफी रिच होगा। और ये इंडिया का एक बहुत ही फेमस, स्पेशली पंजाब का एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मेरे घर में जिस तरीके से बनता है, वो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और भी बहुत ही अलग टाइप की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मेथी मलाई मटर। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग काजू का और आलमंड का एक पेस्ट बना लेंगे। चूँकि इस रेसिपी में मैं क्रीम नहीं डालूंगी, मैं जनरली इसी का क्रीम बना के यूज करती हूँ, तो काजू और बादाम का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया, पेस्ट बना लिया बहुत अच्छे से, जो कि ग्रेवी में करेंगे इसका यूज। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेथी पत्ता, फ्रेश मेथी पत्ता अच्छे से धो के चॉप कर लिया है बारीक। कुछ प्याज काट लिए हैं, करीब 3 से 4 प्याज मैंने लिया, उसको बारीक काट लिया। और टमाटर भी करीब 3 से 4 मैंने लिया, उसका प्यूरी बना लिया। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जीरा और तेज़पत्ते, गरम मसाले। ये हमारा पेस्ट है जो हमने काजू और बादाम का बनाया। बेसिक मसाले रहेंगे और इसमें हींग का यूज भी होगा, हींग हम लोग डालेंगे इसमें। और अदरक लहसुन का पेस्ट है और मटर है, तो ये सारी चीज़ें डालेंगी इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में। तो प्रोसेस में सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये रेसिपी मैं जनरली घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही एक रिच फील रेसिपी होगा, मतलब काफ़ी अच्छा रिच ग्रेवी बनेगा। इसके लिए मैं इसमें घी का ऐड करती हूँ, घी डाल के बनाती हूँ। फिर जैसे ही ये मेल्ट होगा घी, इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा सिनेमोन का, 3 हरी वाली इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, और करीब 3 से 4 लौंग। और इसको डालते से ही उसको भूनना नहीं है, बिल्कुल इमीडिएट ही प्याज को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि गरम मसाले जो तड़के हैं उसको जलाना नहीं है। तो इमीडिएट मैंने प्याज को ऐड कर दिया जो बारीक कटे हुए हैं, और इनको भून लेंगे। और प्याज को करीब इसको सुनहरा होने तक पकाना है प्याज को, लगातार चलाते हुए। आप देख सकते हैं पक गया प्याज। तो इसमें ऐड कर देंगे 1/4 स्पून हींग, और इसके बाद ऐड कर देंगे करीब 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको लगातार ऐसे चलाते हुए भून लेंगे और पका लेंगे। इसको अदरक लहसुन को तब तक पकाना है जब तक कि इसका रॉनेस नहीं निकल जाए, कच्चापन नहीं निकल जाए, तब तक पका लेंगे। तो लगातार चलाते हुए कुछ मिनटों में ये पक गया। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया करीब 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने मोटे टुकड़ों में काटा है, तो इसको भी अब चला के और मिला लेंगे। इसके बाद इसका फ्लेम कम कर देंगे और इसमें अब ऐड करेंगे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद ऐड कर देंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच, साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, कुछ इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, और यहाँ पे चूँकि ये मसाले वगैरह सूखा लग रहा है, तो इसमें अब थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए मसाले, और प्याज भी काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने करीब कुछ, मतलब 1/2 कप के करीब मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया। गर्म पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस बैलेंस बना रहे, नहीं तो ठंडा पानी यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये सारी चीज़ें गर्म है। और तो इसलिए गर्म पानी ऐड करके और इसको ढककर कुछ देर के लिए पकाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने पकाया मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गई मसाले। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी पहले से ही, और इसके बाद ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला।
और इसके बाद थोड़ा सा ऐड कर देंगे अदरक का, लंबे टुकड़ों में कटी हुई अदरक। फिर इन सबको मिला लेंगे अच्छे से और साथ ही ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के लिए। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे ऐड करें। फिर इन सबको अच्छे से लगातार चलाते हुए मिलाएंगे और इसको फिर से कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो इसको इस स्टेज पे यहाँ तब तक पकाना है जब तक कि ये मसाले और घी अलग नहीं होने लगे, मतलब मसाले से घी नहीं छूटने लगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक गई है और एकदम ड्राई हो गया है और घी भी अलग होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम लोग मटर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और फिर से इसको मटर को पकने के लिए इसको ढक देंगे और फिर से कुछ समय के लिए पकाएंगे और फ्लेम को रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। मिड टू हाई फ्लेम रखें। तो मटर को यहाँ थोड़ा सा पका लेना है फिर से ढक के। तो यहाँ कुछ देर के बाद, करीब 2-3 मिनट के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेक किया तो काफ़ी अच्छे से पक गई हैं ये मटर भी और मसाले भी। तो इस स्टेज पे अब हम लोग ऐड कर देंगे मेथी पत्ता फ्रेश बारीक कटा हुआ और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे फिर से और ऐसे लगातार चलाते हुए कुछ देर तक पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि वो मेथी थोड़ा गल नहीं जाए। और जैसे ही वो मेथी गल जाएगी, हाफ कुक हो जाएगी, फिर ऐड कर देंगे पेस्ट, काजू और बादाम के पेस्ट जो हमने तैयार किए थे उसको मैंने ऐड किया। ये करीब 4 से 5 चम्मच ऐड कर दें। साथ ही ऐड कर देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता फ्रेश बारीक कटा हुआ और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और कुछ समय 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिलाते हुए अच्छे से पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो ये हमारा रेडी है मेथी मलाई मटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप नान के साथ, पूड़ी के साथ या जीरा राइस के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी।